हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे आप सब? सो गाइज, हम आए थे अम्बाला अपने सिस्टर लॉ के घर पे, बिकॉज हमें जाना है पंजाब आगे कोई फंक्शन पे। तो चलो चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या फंक्शन है। सो गाइज, जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग अम्बाला आए थे रात को, लेट हो गया था, 12:30 हो गए थे, और अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग के 11:00। हम लोग उठ के नहा धो के फ्रेश होके रेडी हो चुके हैं। अवॉइड करना, गले को ख़राब हो चुका है बहुत ज़्यादा। तो बस अभी 11 बज रहे हैं, रेडी हो चुके हैं, हम लोग निकल रहे हैं आगे खन्ना के टूवर्ड्स। ईशान के मामा जी के बेटे ने न्यू हाउस बनवाया है, एक्चुअली बहुत सुंदर, बहुत बड़ा, बहुत यू नो अमेजिंग वाला बनवाया है। तो आज है उसका इनॉग्रेशन, और उन्होंने रखी है माता की चौकी। सो हम लोग स्पेशली दिल्ली से उनके लिए आए, उन्होंने इतने सारे कॉल्स करके इनवाइट करा हम लोग को, इतना अच्छा लगा। तो हमने कहा चाहे थोड़ी देर के लिए, यू नो एक दिन के लिए चाहे, बस जाएंगे ज़रूर। सो चलो, बस हम लोग जा रहे हैं उनके वहाँ पे घर खन्ना। तो देखते हैं वहाँ पे कौन कौन से कजन्स आए हैं, सब लोग खूब सारी मस्ती करेंगे, धमाल करेंगे। चलो बने रहना पूरे व्लॉग में एंड तक। इसे कहते हैं सुपर टैलेंटेड ड्राइवर हमारा। कितनी छोटी सी गली है आप देखो, और यहीं से ईशान ने गाड़ी बैक कर ली है। यू टर्न मोड़ ली भाई, देखो कितनी छोटी सी जगह है कहाँ से। हाँ हाँ, चलो चलो, बहुत जगह है यहाँ से। तो सुनो, इधर ध्यान से थोड़ा सा देख के। और हमारी दीदी आ चुकी है, इनकी वजह से हम बहुत लेट हो चुके थे। इनका एक्चुअली थोड़ा पेट अपसेट है। डॉली के घर आना और ये गलियों का टास्क सबसे गंदा टास्क है। ब्याया भी दूसरे किसी का। तुमने बता था, तुमने तब रास्ते नहीं चेक करे थे, तब पता नहीं क्या देख के गए थे। अब उनको ब्लेम कर रहे हैं। इतने अच्छे भी थे, हमें बताएंगे फिर वो। चलो आ गए, बस इतना ही तो था मेन। नहीं बट आगे वो नालिया वो है। है। थोड़ी नालिया सी बंद कर रहे हैं ना, उससे और बढ़िया हो जाएगा। और जगह स्पेस मंदिर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? मंदिर बना रहे। अरे वाह, अच्छा बना रहे ना। शीशा तो साफ कर लो यार, कुछ दिख भी नहीं रहा तुम्हारी। शीशा खोल के बना सकते हो, जितने में शीशा खोलेंगे उतना व्यू चला जाएगा। आंटी बैठ के यहाँ पे धूप के मजे ले रहे हैं। आंटी नमस्ते। गर्मी में धूप के मजे तो ले रहे। जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग खन्ना जा रहे हैं, और हम लोग रात को अम्बाला आने का एक रीजन ये भी था, जैसे आपको पता है किसान बैठे हैं अपना प्रोटेस्ट करने के लिए। तो हमें नहीं पता था कितना अंदर से यू नो पिंड की तरफ से होके जाना है, रात का टाइम है, क्या टाइम, कितना टाइम लग जाएगा। तो जीजू ने बोला आप रात को यहीं आ जाओ, सुबह सारे इकट्ठे चलेंगे, नाले दिन में चलेंगे, तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं होगी। तो किसानों का थोड़ा समर्थन करके आएंगे, समर्थन करके आएंगे, ईशान को वही उतार देंगे, हम आगे चले जाएंगे। पापा को मतलब आगे तुम पैदल जाओगे, मैं वहां गाड़ी लेकर रुक जाऊंगा, हम आगे बस करके चले जाएंगे। ये तेरे को बिठाएगी, देखिए इधर जाना। नहीं इधर ठीक है, उधर में कोई गड्डी आएगी ना, देखते हैं मैप में क्या रास्ता दिखा रहा है, आपको दिखाते हैं। ओके, एक मम्मी का। तो हमने यहाँ पे जो है मैप लगा लिया है, और वैसे तो यहाँ पे दिखा रहे हैं 1:25। वैसे तो पौने घंटे का रास्ता है यहाँ से, किसानों के चक्कर में 1 घंटा। भाई तुम मेरा कैमरा हिली जा रहा है, देखो इतने झटके तुम दे रहे हो। अपने हाथ को पकड़ के रखो ना बेटा, यहाँ तो स्टैंड ऐसे पकड़ो पट्टी। हाँ तो पौने घंटे का रास्ता है, जिसमें 25 मिनट फालतू है ना। सुनो 25 नहीं है, 45 मिनट फालतू। 45 मिनट फालतू है, क्या कैलकुलेशन कर रहे हो? आधा घंटा हो गया ये, 15 मिनट और लगा रहे, 45 मिनट रास्ता होगा फालतू, और नहीं इससे ज्यादा नहीं होगा। डोली ने तो शुरू कर दिया, डोली कह रही है मैं तन्ने कट गई सी, ज्यादा किमें हो गया। अरे वो होके आए ना, इसलिए उनको पता है कितने हो गया है ये घूम के। आप खन्ना गए नहीं हो? ट्रेन में गए थे। अच्छा ये तो ट्रेन में गए हैं। किसान मोर्चे थी चंडा गाड़े यार, तुझे अच्छी सब्जियां उगानी है। मैं किसानों का समर्थन करने गई थी, मैं तो उन्होंने कहा सी मेनू भी एक पा दो ऐसे टंट। किसानों ने फिर उन्होंने कहा भेणे तू करनो चल, अजे कल्ले कर लांगे। वो कहते तो अपना घर था
ये पूछने गए थे बेटा खाना पानी कुछ चाहिए मैं आपको भेज दूँ। नहीं मैं तो कैसे कोई लंगर लूंगा मैं नहीं डालता मैं अपना परिवार लेके आ जाऊंगी। मैं कह रहे थे पूरे नहीं हो रहे थे ये थी पंच लाइन। चलो गुड गुड चलो स्टार्ट करते हैं अपना ट्रिप। ठीक है ट्रैक गली में ये ट्रैक्टर है अरे शान यार गली में ले आया ये ट्रैक्टर देखे फिर ये तरह नहीं चला रहे। ये अम्बाला की सुंदर नगरी ये थिएटर उस पिक्चर को देख के बनाया गया है जट्ट नु चड़ेल टकरी। देखो पूरा चड़ेलों वाला वर्जन दे रखा है भूत नगरी का पीछे देख अच्छा बंदा भी जाता है। हेलो भाई ये क्या बना हुआ है यहीं पे तो हुई थी शादी मेरी। ओह मैं नहीं थी ना मुझे नहीं दोबारा के लिए जाने नहीं जी एक बार करना नु हाथ लग गया दोबारा नहीं 25 हुई है हम तुम्हारा थोड़ी कर देंगे ना बस नहीं कोई बात नहीं 25 भी जीजू कर लेना फिर मैं भी आऊंगी साथ में। ना 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 भाई बस इको करके बस बुरा हाल हो गया अरे उन्हीं के साथ फिर से करनी है ना जी ना बस ते चौमिन नु बड़े बड़े लोग क्या लोग चौमिन वाले को बहुत पड़े हुए थे तुम शादी में यही देख रहे थे कौन क्या खा रहा है देखना क्यों नहीं देख रहे तो शादी एंजॉय नहीं करी तुमने करी थी रोके 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 शादी में ही पता लगता है पहले तो भाई बहन सारे आपस में मारते ही रहते हैं दूसरे को रोके बस एनु जिन्नी खुशी से किसी हो ही नहीं सी परिवार च मिनता इनकी खुशी में गड्डी अगे लेट गया असली असली खुशी तो इन मेरा स्यापा वड्या देखो मैंने कहा था ना कि पुल के नीचे से जाएंगे अंडरपास से ये बोल रही थी मैं किधर जा रहा है ये देखो जी रास्ता दिखा रहे ना मैप दिखा रहे कहाँ से कट पर ये बोल रहे हैं जीरो देखो 20 मिनट का रास्ता फालतू है कि नहीं मैं क्या कह रहे हैं हाँ। चल ले फिर मैं एक गल कह रहे हैं तुम पूछ रहे हैं इधर वाले जाम नहीं दिखा रहे हैं हाँ ये खाली है देखो ब्लू है रास्ता सारा तू चल ले इधर से जो मैप दिखा रहे उधर से चल नहीं नहीं है देखो वो आगे जाके ऐसे घूम जाएगा वापस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वेलकम टू सरसनी ये कोई जगह का नाम है ये गांव में से लेके जाएगा ना पर अभी तक जहाँ से आए डबल रोड हाईवे ही थी वो है ना ये चंडीगढ़ हाईवे था चंडीगढ़ हाईवे से आए हैं अभी हम लोग चंडीगढ़ हाईवे से इधर आ गए ना अब ये फाटक पार करेंगे अभी ट्रेन आ रही है। अच्छा तो इसके बाद जहाँ पे देख रहे हैं ये ब्लू लाइन दिखा रही है उसके बाद शायद ऑन रोड आ जाएंगे है ना ये गाँव वाली रोड में से अंदर जाएंगे जाके फिर वही पंजाब वाली रोड पे वापस हो जाए अभी 10 मिनट और होगा मेरे हिसाब से इधर से जाने का रास्ता है और जब वापस आना आएगा तो वो वाला लंबा रास्ता है उसका लंबा रास्ता हाँ वो लंबा रास्ता है ऐसा कुछ नहीं है इधरों नहीं आ सकते रास्ता बंद है आने वाले अरे कोई नहीं अभी आके देख लेते क्या रास्ता होगा वो तो पता लग ही जाए बट यहाँ तक तो ठीक था कि हाँ भी इतना वो बेचारे उनका भी काम हो जाए पंगा ही नहीं है क्या वो वेट कर रहे ने कि सचिन जी ने कदों आना है स्पेशल लाइन बिछाई है क्योंकि सचिन जी फिर तो घूमते ही बहुत नहीं अपने परिवार नु लेकर दूजे दिन निकले रहते ने मैं डांगा खड़े ने सचिन जी आ रहे स्वागत चलो चलते फिर चल के नहीं रहे हो Oh, 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 oh
सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं कन्ना और अब आ गए भैया की सोसाइटी में। तो चलो चलते हैं भैया के घर और देखते हैं कौन कौन आ गया। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं भैया के घर पे, अभी डेकोरेशन चल रही है। तो चलो चलते हैं अंदर, सबसे मिलते हैं और बाद में आपको दिखाती हूँ पूरा घर। चलो जाओ तुम जाओ। ब्लॉग बन रहा है। चलो बैठो, पहला भी बैठो, इधर आ जाओ। जाने ना तो लिफ्ट में बिठा दो। जितना मन
बागा बॉर्डर आ गया। हेलो गाइस, देखो बागा बॉर्डर आ गया। अभी हम इंडिया की तरफ है, पाकिस्तान जा रहे हैं। देखो पाकिस्तान का बॉर्डर खुल गया। स्टंट मार के दिखाओ, अब मिलाप होगा यहाँ पे। झंडे दिखाई नहीं दे रहे, इंडिया का बॉर्डर खुल गया। झंडे नहीं दिख रहे हैं। हां, ये सोसाइटी दो अब और अलग पड़ जाती है। लग थोड़ी ये है कि ये शॉर्टकट है यहां से ना, नहीं तो पूरा घूमते। सच में बड़ा पास ही था। नहीं देखा थे तो निकल लो। शुगर है कोट पहनने वाले बंदे ने भी खाना। पहले ये सामने पूरे ध्यान रहना, तू मेरी स्कूटर टोक रहा है पहले। मैं एमए के बैठ कैमरा चलता हो जे। मासी नू मासी मुझे मसले चंगी तरह ले मसले नहीं चंगी तरह, वो पत्ते रह गए पीछे। ये बना रहे साली ने चरदा लांदे दिखाया, तेरी वीडियो बना रहे पैक्सी कब तक आ रही है। मैंने तो ये कह रही है, मैं अपना कह रहा हूं। साली ने जी जिंदा काला ए लॉन्ग हेड का लग गया। मैं तो उस दिन वाली भी पार्टी थी कि जब अपन गड्डी से चल रहे थे। दादी चलती यार, कलियों ते कलियां, दादी